लेकिन मैं प्रयाग में आप सबको चाहूंगा, आप मेरे उत्तर प्रदेश के किसी गांव से हैं, भारतवर्ष के किसी जिले से हैं, संसार के किसी देश से, आप आइए, हम आपको सादर स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। तो अभी मैं प्रयाग रेलवे स्टेशन पे हूँ जो इलाहाबाद के बीचों बीच है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पेंटिंग्स, खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं पूरे वाल पे, और आपको और सारी पेंटिंग्स हम दिखाएंगे। और ये पूरे प्रयागराज यानी इलाहाबाद में ये सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। और ये तैयारियाँ कुंभ मेले के लिए हो रही हैं, जो कुंभ 2019 की तैयारियाँ हो रही हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 10,000 करोड़ इसके लिए दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या तैयारियां हुई हैं, उन्होंने मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा पैसा रिलीज़ किया है इस साल, और अर्धकुंभ होने वाला है 2019 में। तो अभी देखते हैं कैसा है कुंभ और कैसी है तैयारियाँ 2019 का कुंभ, यानी कि जनवरी में किस तरह से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, और इस तरह से वाल की पेंटिंग्स आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। अभी मैं प्रयाग रेलवे स्टेशन पे हूँ, और ये है इलाहाबाद के बीचों बीच, यानी इलाहाबाद जंक्शन नहीं, उसका भी खैर अब नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तो अभी मैं प्रयाग रेलवे स्टेशन पे हूँ, जिसका पुराना ही नाम प्रयाग था। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पेंटिंग से लगाया गया है, इतना मस्त पेंटिंग बनाया गया है, क्या बताएं। ये देखिए पूरा चारों तरफ, और ये है हेमा मालिनी का पूरा इमेज है। तो चलिए हम आपको पूरा पेंटिंग्स दिखाते हैं, और ये पूरे इलाहाबाद में ऐसा बनाया गया है, यानी प्रयागराज में पूरा इस तरह का पेंटिंग वॉल पे बनाई गई है। तो अभी मैं आनंद भवन पे हूँ, और आपको आनंद भवन दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं संगम पे गया तो था आज सुबह, क्योंकि आज 1 बज रहे हैं अभी, तो अभी सुबह हम लोग गए थे तो दिखा नहीं पाए संगम, क्योंकि कुछ खास नहीं था दिखाने को सुबह। तो शाम को चलेंगे तो अब आपको पूरा व्यू दिखाएंगे संगम का, क्योंकि लाइटिंग वगैरह तो शाम को ही देखने को मिलती है। तो चलिए पहले आनंद भवन दिखाते हैं, फिर शाम को आपको पूरा कुंभ मेला दिखाएंगे। तो अभी मैं कुंभ नगरी प्रयाग में हूँ, और ये है कुंभ नगरी ले जाने वाली सड़क, और अभी मैं रास्ते में हूँ। तो अभी मैं चल के आपको पूरा कुंभ नगरी दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि 10 दिन बाद मेला लगने वाला है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसा है मेला। ये जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, वो मेरा खोया हुआ भाई है, अभी मेले में खो गया था, और आपको पता ही है कि हम लोग कुंभ मेले में आए हैं, तो ये खोया हुआ भाई है, तो अभी साथ साथ चल रहा है, यही कहीं मिल गया था सड़क पे, तो हमने बोला भाई चलो, तो बस चल रहा है। लेकिन मैं प्रयाग में आप सबको चाहूंगा, आप मेरे उत्तर प्रदेश के किसी गाँव से हैं, भारतवर्ष के किसी जिले से हैं, संसार के किसी देश से, आप आइए, हम आपको सादर स्वागत करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका अर्पण हमारा सौभाग्य होगा, गंगा यात्रा सरस्वती किस पावन तट पर लगने वाले कुंभ में आप
यानी मेले में एटीएम तक लग गया है और हर जगह लगभग 10-10 बाथरूम लगे हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मेला। और इधर की तरफ पांडाल लगा हुआ है, तो अभी चल के आपको पूरा बांध से पूरा मेला दिखाएंगे, काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए वो पूरा मेला दिखाते हैं। देखिए अब हम लोग बांध पे खड़े हैं और यहीं पे बगल में बड़े हनुमान जी हैं, और ये आप देख रहे हैं पूरा जो लाइट्स दिख रही हैं वो हैं कुंभ मेले की लाइट। तो आपको पता ही है कि 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। ये पूरा लाइट्स आपको चल के और करीब से दिखाते हैं। मेरे पीछे अभी बड़े हनुमान जी को देख सकते हैं। ये हनुमान जी जो संगम पे स्थित है, जो लेटे हुए हैं, तो अभी आप ये झंडा देख रहे हैं और पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो बड़े हनुमान जी का है। तो एक झलक बड़े हनुमान जी का दिखा के इसके बाद फिर आपको एक अक्षरधाम मंदिर भी है उसको दिखाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अभी पूरा तैयारी नहीं हो पाया है, अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं, तो जितना हुआ है मैंने आपको दिखाया है और मैं बारी बारी से आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि मैं ये कुंभ मेले का सारा अपडेट आपको देता रहूँगा बीच बीच में। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ख़ास बात यह है कि 10,000 करोड़ रुपये खर्चा किए योगी जी, तो आप ये कमेंट करके बताना कि कैसा रहा।